हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी। मेरी जो रिसेंट वीडियो थी किचन टूर को लेकर, उसके नीचे बहुत सारे आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स आए हैं, तो धन्यवाद आप सबको। आप सबको मेरी किचन बहुत पसंद आई है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखे हैं। हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। तो मेरी किचन टूर की वीडियो के नीचे ही बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि ये जो पूरी किचन है मुझे कितने में पड़ी है। तो ये ना मैं आपको दो तीन स्टेज में डिवाइड करके बताऊंगी कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने लगवाई, कौन सी चीज़ हमारे बजट में थी, कौन सी उन लोगों के प्रोविज़न में थी। तो ये सारी चीज़ें बताकर मैं आपको इजीली डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि हमारा कितना खर्चा इसमें आया है। फिर चाहे प्लेटफॉर्म में वो जो क्वार्ट्ज यूज़ किया गया है, चाहे वो फ्लोर टाइल्स हों या फिर वॉल टाइल्स हों या फिर अप्लाइंसेज हों या फिर जिप्सम यानी कि फॉल सीलिंग हो या लाइटिंग का खर्चा हो, ये सारा टोटल खर्चा मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। मुझे देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिसेंटली अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं और अपनी नई नई किचन बनवाने की सोच रहे हैं या फिर अपनी पुरानी किचन को रिनोवेट कराना चाहते हैं। तो उन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास, इसी वीडियो के नीचे नहीं बल्कि और भी वीडियोस के नीचे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि अगर आप हमें प्राइसिंग बता दोगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, हमारी किचन के लिए आगे हमें भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो किचन की कॉस्ट डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पर। सबसे पहली जो चीज़ है वो है किचन आपका कितना बड़ा है। जैसे कि मेरा किचन जो है वो 72 स्क्वायर फीट है, उसके अकॉर्डिंग अब आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पर यूज़ कर रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया कि हम लोगों ने पूरी किचन SDHMR की बनवाई है जो कि कॉस्टिंग में थोड़ी हाई पड़ती है, क्योंकि मैंने ये काम होमलेन से कराया है जो कि एक कंपनी है और कंपनी की ना अपनी कुछ चीज़ें होती है जैसे कि फिक्स होती है कि ये जो आप किचन देख रहे हो पूरी किचन उन्होंने बनाई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे उसमें थी। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी अप्लाइंसेस के बारे में। अप्लाइंसेस जो कि मैंने खुद अपनी मर्जी से चूज करके लिए हैं और चाहो तो आप कंपनी की तरफ से भी ले सकते हो, कंपनी भी कहते हैं उनको लगवा सकती है, लेकिन वो उन सबका जितना भी प्राइसिंग आएगी वो अपने टोटल प्राइस में ऐड कर आपको बता देगी। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना कि आपकी पसंद के और आप ऑफर और डील्स वगैरह नहीं लगा सकते। तो मेरा मन था कि मैं जब अप्लाइंसेस लगवाऊंगी तो अपनी चॉइस के होने चाहिए, जो मुझे पसंद आए और क्या कहते हैं जिन पे मुझे अच्छे डील्स और ऑफर्स मिल जाएं या फिर जो मार्केट में अच्छे रिव्यू मिले हुए हों उन अप्लाइंसेस को मैं चूज़ करूँ। तो इसीलिए मैंने कंपनी से अप्लाइंसेस नहीं लिए और मैंने ये अपनी खुद की मर्जी से लगवाए हैं, तो उनकी कॉस्ट मुझे अलग से पड़ी है। बाकी आती है फ्लोर टाइल्स और कहते हैं वॉल टाइल्स की बारी, वहाँ पर भी मैं खुद की ही चॉइस से लगवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स भी अपने ही बजट में ले लिए। बात आती है प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म में मैंने बयान को मैपल करके क्वार्ट्ज लगवाया है। ये क्वार्ट्ज मैंने बाहर भी देखा था जब मैं टाइल सर्च कर रही थी, उसी दौरान मुझे AGL की शॉप पर ही ये वाला भी मिला था, कहते हैं बयान को मैपल और इसकी जैसे बहुत सारे शेड। और वहाँ पर मैंने तब नोटिस किया कि वहाँ पर ये थोड़ा सस्ता था और जबकि मैंने ये कंपनी से लगवाया है तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा पड़ी है मुझे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना पूरी किचन की कॉस्ट बता देती हूँ जो मुझे पड़ी है। इसमें अप्लाइंसेस नहीं है, वो अलग से हैं, और फिटिंग जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फ़िटिंग है वो भी अलग से है। मतलब ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो किचन में बनाई इन्होंने, फिट इन्होंने करी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस हैं, प्लग हैं, और ये लाइटिंग है, और क्या कहते हैं कोव लाइट है, और क्या कहते हैं सरफेस लाइट है, इसके अलावा स्ट्रिप लाइट है। ये सारे के सारे खर्चे हमारे बजट में थे, फिक्स इन्होंने किया है लेकिन ये खरीद के हम लेकर आए थे इनके लिए। तो होमलेन की जो टोटल कॉस्ट है, सबसे पहले मैं इस बारे में बात कर लेती हूँ, होमलेन की जो टोटल कॉस्ट है वो मुझे पड़ी है 3,47,500 रुपये, और इसमें इलेक्ट्रिशियन का भी खर्चा है, मतलब जो सारे पॉइंट इन्होंने बनाए हैं फिक्स किए हैं वो भी इन्हीं की तरफ से है, जो भी मतलब इनके लिए स्पेस क्रिएट करवाए गए थे क्योंकि इतनी सारी लाइटें एक या दो प्लग में हैंडल नहीं हो सकती, तो बहुत सारे स्विच बोर्ड भी इसमें यूज़ हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया स्विच बोर्ड का खर्चा, लाइट का खर्चा, वो सब हमारे बजट में था लेकिन फिक्स इन लोगों ने किया है। तो ये था 3,47,500, और ये मैं मोबाइल में देख के इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैंने लिख ली थी जिससे कि कभी आप लोग मेरे से पूछो तो मैं आसानी से आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ एग्जैक्ट प्राइस देकर। होमलेन की इस प्राइसिंग में क्या क्या चीज़ें मोटी मोटी जो इंक्लूडेड थी वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी तो मैं नहीं
नहीं बता सकती आपको कि छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हाँ मोटा मोटा खर्चा जिसमें मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हुए हैं होम लोन के बजट वाले में, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो फॉल सीलिंग मैंने कराई है किचन में उसकी कॉस्टिंग आई है 18,000। और अब मैं बता दूं आपको प्लेटफॉर्म का कितना खर्चा आया। जो प्लेटफॉर्म में मैंने बियानको मैपल क्वार्ट्ज लगवाया है उसका विद प्लेट मतलब बेस जो था उसके ऊपर ही ये क्वार्ट्ज रखा जाता है। अगर आप भी सोच रहे हो तो ऐसे आप आरसीसी के ऊपर मत रखवा देना, क्योंकि मैंने बहुत कंप्लेंट सुनी है कुछ दिनों बाद जब आप उसे यूज़ करते हो तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत भद्दे लगते हैं। और ये इतना महंगा होता है कि एक बार आपने अगर इसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो दोबारा तो आप सोचोगे तो बहुत दिन बाद सोचोगे, फिर वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर गंदी लगती रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसके नीचे जो बेस प्लेट बनती है उसी के ऊपर आप ये क्वार्ट्ज रखवाएं या कोई भी पत्थर अगर आप सोच रहे हैं रखवाने की। तो ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पत्थर यूज हुआ है बियानको मैपल इसका जो मेरे टोटल कॉस्ट आई है विद बेस वो है 46,000 यानी कि 46,000। फिर मैंने सिंक के ऊपर बर्तन स्टैंड लगवाया है और वो है एवरीडे का और उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 3,500 रुपये। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि डेली के बर्तन यहीं पर वॉश होकर रखने वाले हैं। मेरे पीछे जस्ट आप जो देख रहे हैं ये है गैस लिफ्ट और इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 25,000। और ये है इम्पोर्टेड और ये है ब्लमका और आपको लोकल भी मिल जाएंगे मार्केट में। यहाँ पर छोटा सा एक डिस्क्लेमर दूंगी मैं गाइस, ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं ये होम लोन की तरफ से ली हैं, मतलब कंपनी की तरफ से मैंने ली हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको महंगी लग रही हो, कहीं पर आपको ये सस्ती भी मिल सकती हैं। तो वो तो 19-20 होता रहता है, मतलब एक बात इस पर भी डिपेंड करती है, जैसे मेरी किचन की कॉस्ट मैंने आपको बताई इतनी आई है, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम कॉस्ट आपकी किचन की भी आए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, कौन सी क्वालिटी का प्लाईबोर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सी क्वालिटी के आप या कंपनी के अप्लायंसेस ले रहे हैं, तो कॉस्टिंग वहाँ पर ऊपर नीचे हो जाती है। और ये जो मैंने कॉस्टिंग बताई है आफ्टर नेगोशिएशन मुझे मिली है, तो वहाँ पर डील्स वगैरह ऑफर्स वगैरह आप भी मांग सकते हो उनसे होम लोन वगैरह से या जिस भी कंपनी से आप करवा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है आप होम लोन से ही कराओ, जिस भी कंपनी से आप करवा रहे हो वहाँ पर थोड़े बहुत डिस्काउंट्स और ऑफर आप अपनी इच्छा से उन्हें बोल सकते हो और वो करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है करते हैं। नेक्स्ट है ये टेम्बोर यूनिट और ये मुझे पड़ा है 43,000 का। इसमें ना एक मशीन होती है जो कि आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी, वो ऊपर की तरफ रहती है और पीछे की तरफ ही फिक्स रहती है, सामने ये इस टाइप से आपको शटर दिखता है। ये जो शटर है ये एल्युमिनियम का होता है और जो ये ऊपर की तरफ जैसे शटर बहुत ही आसानी से ऊपर जा रहा है उसमें एक मैकेनिज्म के थ्रू से वो जा रहा है। तो ये मुझे 43,000 का पड़ा है। मार्केट में या फिर अमेज़ॉन पर भी आपको ये शटर यूनिट मिल जाएंगे जिसे मैं टेम्बोर बुला रही हूँ, और ये हो सकता है अलग अलग कॉस्ट में भी आपको मिल जाए, लेकिन मुझे ये कंपनी की तरफ से इतने का पड़ा है। तो अब मैं बताती हूँ हमारा खर्चा, इसके ऊपर से हमारा भी बहुत सारा खर्चा हुआ है। वो जो मैंने कोट दिया था आपको वो था कंपनी की तरफ से, अब आता है हमारी बारी। तो हमारी बारी में जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का काम कराया है इस किचन में, तो जिसमें स्विच बोर्ड बल्ब वगैरह ये सब लगा लोगों के, मैं बता दूं तो ओवरऑल 10,000 का हुआ है। 10,000 में ये सारी लाइटिंग हो गई है, अच्छी बात है मेरे सारे स्विच बोर्ड बदल गए, पुराने स्विच बोर्ड वैसे भी काम में नहीं आने वाले थे, सब टूट गए थे गंदे हो रहे थे, और मैंने और भी ज़्यादा स्विच बोर्ड लिए हैं क्योंकि मैं इस टाइम काफ़ी सारे अप्लाइंसेस जो यूज़ कर रही हूँ उसमें हर एक में बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो सामान उठा उठा के इधर से उधर रखो, बेहतर है कि जहाँ पर आपका सामान रखा है वहीं पर आपकी चीज़ें यूज़ हो जाए। तो इसके लिए टोटल जो खर्चा आया है वो है 10,000 रुपीज़ और लगाने का था उनका ही कंपनी का था। तो सिंक का जो खर्चा है वो आया 5,800 रुपीज़ और ये है सिल्वर लाइन का। तो जितने भी अप्लायंसेस हैं या फिर जो भी अटैचमेंट है उन सब के जो भी कॉस्ट है या कौन सी कंपनी के हैं वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आप आसानी से जाकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा जब बात आती है सिंक की तो मैं आपको प्लम्बिंग का भी खर्चा बता देती हूँ, वो भी हमारे ही बजट में था, तो उसकी कॉस्ट 12,000 आई है। उसमें बहुत सारे कहते हैं पाइप्स वगैरह चेंज हुए हैं क्योंकि जब आप नई तरीके से किचन बनवाते हो तो आपको ऊपर नीचे भी होता है, जैसे ये प्लेटफॉर्म पहले से थोड़ा ऊँचा है तो उसके भी अलाइनमेंट भी हिलते हैं और चीज़ें जो है दोबारा से फिट होती है, तो उसमें भी खर्चा आता है। टैप इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सिंक के ऊपर जो मैंने टैप लगवाया है उसका खर्चा आया है मुझे 4,000 का और ये जैकवार का है।
अब बात आती है हॉब की। हॉब मैंने लगवाया है कैफ का और ये मेरा चार बर्नर वाला है। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था डिटेल में, अगर आपने कल की वीडियो नहीं चेक करी है तो वो भी जाकर जरूर चेक करना। मैंने इंडियन फ्लेम लिए है यहाँ पर, इसमें दो बर्नर तीन रिंग वाले हैं और दो बर्नर जो हैं वो दो रिंग वाले हैं और ये आपको फास्ट कुकिंग में हेल्प करते हैं। और जिस हिसाब से जैसे दो रिंग आपको चाहिए तो उस हिसाब से कॉस्ट भी अलग हो जाती है। ये जो मुझे पड़ा है वो है 21,000 का। तो बात आती है इस चिमनी की जो कि है सन फ्लेम की, और ये पुरानी वाली ही चिमनी है जो कि मेरी पुरानी किचन में लगी हुई थी। देखने में आज भी इतनी नई लगती है कि आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये पुरानी है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने इसकी AMC ले रखी थी तो एनुअल सर्विसिंग इसकी होती रहती थी, तो अंदर से और बाहर से हर तरह से ये क्लीन है और ये मुझे 14,000 की पड़ी थी। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँ तो हम लोगों को ना बेकिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, मुझे भी और कशिश को भी। आप लोगों ने मेरे अगर डेली ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा बेकिंग और कुकिंग इस टाइप की करना पसंद करते हैं जो कि ओवन में हो जाती है। तो पहले मेरा छोटा ओवन था, मैं उससे भी धड़ल्ले से यूज़ करती थी, नान हुई या जितनी भी स्टफ्ड कैप्सिकम है, ग्रिल करना है कुछ भी, तंदूर का कोई काम करना है, मैं हमेशा ओवन यूज़ करती थी अपना। तो फिलहाल मैंने एक अच्छा सा ओवन ले लिया जिससे कि हमारा ये शौक भी पूरा हो जाए और क्या कहते हैं एक अच्छी अच्छी डिशेस भी हम लोग आपके साथ शेयर कर सकें और खुद भी बनाकर इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर जो मैंने ब्रिटेन ओवन लिया है वो है 73 लीटर का, ये भी कैफ ब्रांड का है और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 39,500 रुपीज़, यानी कि 40,000 के अराउंड। और यहाँ पर भी मैंने डील लेने की कोशिश करी थी तभी मुझे थोड़ा सा सही पड़ गया। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिशवॉशर की। डिशवॉशर मैंने नहीं लगवाया है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आपको अपने किचन का एरिया तो बताया ही, मुझे किचन में स्टोरेज भी चाहिए थी। अगर मैं ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत सारी अपने किचन में लगवा लेती तो स्टोरेज तो टू बी श्योर वैसे भी कम हो जाती, और वैसे भी जितनी भी चीज़ें होती हैं इस टाइप की वो नीचे लगती हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर उन्हें ऊपर लगवा सकते हो। और नीचे की जो स्टोरेज होती है वो बहुत ही कीमती होती है क्योंकि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा नीचे की स्टोरेज यूज़ करते हैं और या फिर ये वाली करते हैं, तो हमें नीचे की स्टोरेज बहुत चाहिए होती है। तो मैंने सोचा, वैसे भी मैंने ना डिशवॉशर ना लगवाने के पीछे एक और रीज़न है, मैं ना US में रह चुकी हूँ और वहाँ पर ना हर घर में डिशवॉशर नेसेसरी होता है, हर घर में, मतलब चाहे आप रेंट के भी फ्लैट में क्यों ना रह रहे हो, वहाँ पर आपको फ्रीज मिलेगा, आपको ये हॉब मिलती है, साथ में चिमनी मिलती है, और कहते हैं लॉन्ड्री के लिए आपको वो दोनों मशीन, ऊपर सुखाने वाले भी कपड़े और धोने वाला भी, वो भी डबल वाला होता है जो कि इंडिया में अभी इतना चल नहीं रहा है, वो भी मिलता है, साथ में आपको डिशवॉशर भी मिलता है। लेकिन मैंने जो है डिशवॉशर वहाँ पर भी टू बी वेरी फ्रैंक नहीं यूज़ किया था इतना। मैंने ही नहीं, मैं खुद एक ऐसी सोसाइटी में रहती थी जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी उस डिशवॉशर को एज अ बर्तन स्टैंड यूज़ करते थे, कभी कभार वीकेंड पे या फिर 15 दिन बाद कभी कभार उसमें हम लोग बर्तन लगाते थे कि ज़्यादा कभी गेस्ट आ गए तो लगा कि वहाँ पे तो जब देखो मेड भी नहीं होती है, सारा काम खुद को करना होता है, तो कभी कभार वो जाकर 10 से 12 दिन में वो लगती थी हमारी डिशवॉशर, और उसमें भी हमको पहले उसे क्लीन करना पड़ता था। जितना भी खाना है वो तो आपको निकालना ही पड़ता था, जैसे थोड़ा बहुत खाना तो प्लेट में रह ही जाता है तो वो हटाओ, थोड़ा सा पानी से निकाल के देन उसमें डालो, हालांकि वो गर्म पानी से कहते हैं स्टीम देके बहुत अच्छे से साफ कर देता था, बर्तन बहुत चमक जाते थे, लेकिन शुरू के एफर्ट हमें ही डालने पड़ते थे। तो फिर यहाँ पर तो मेड की भी सुविधा है, दूसरी बात ये भी है कि इतना यूज़ में मेरे पहले ही नहीं आया तो फिर मेरा इच्छा ही नहीं करी उसे लगवाने की, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो मेरा स्पेस गिर जाए और मैं उसे यूज़ ना कर पाऊँ। तो ये था डिशवॉशर ना लगाने के पीछे मेरा रीज़न, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप मत लगवाइए, अगर आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर लगवाइए। तो ये है नया माइक्रोवेव जो कि सुबह सुबह ही डिलीवर हुआ है, और किचन टूर के वीडियो में ये नहीं था जब मैंने बोला था कि आने वाला है, तो आज सुबह ये डिलीवर हो गया है। ये है IFB का और ये मैंने लिया है 30 लीटर का, और यहाँ पर मैंने कहते हैं स्पेस छोड़वाई थी तो उसी में ये फिक्स हो गया है, और ऊपर वाली जो है ना ये रिमूवेबल है तो आप चाहो तो इसे नीचे भी फिक्स कर सकते हो, तो ऊपर का एरिया आप सजाने के लिए यूज़ करो या फिर किसी भी स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और इसका मॉडल है 30BRC2 और इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी है 14,000 रुपीज़। ब्लैक कलर में लिया है मैंने क्योंकि बाकी सारे अप्लायंसेस भी ब्लैक कलर में ही लिए हैं। इस माइक्रोवेव की एक और खास बात है, जितने भी माइक्रोवेव मार्केट में मिलते हैं ना उनके बैक साइड में ना फैन लगा होता है, और जिसकी वजह से इतना इतना स्पेस यानी कि 4 इंच का स्पेस आपका खराब हो जाता है। खाली IFB में ऐसा है कि
इसमें फैन ऊपर की तरफ है जिसकी वजह से पीछे का जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, मतलब पीछे आपकी ज्यादा जगह नहीं घिरेगी और ये आराम से फिक्स हो जाएगा। अगर आपको भी ये मतलब जगह का इशू है और अगर आप बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि ज्यादा पीछे की तरफ जगह ना घिरे और गहरा भी आपको मिल जाए, तो IFB में आप जा सकते हो। तो अब मैं लास्टली बात करूंगी टाइल्स के बारे में, जो कि फ्लोर टाइल्स की बात करूं या वॉल टाइल्स के बारे में, ये हमें 8000 की पड़ी है और ये AGL की है। तो पूरी किचन का जो भी खर्चा आया है ओवरऑल वो आया है 4,60,000 और इसमें मेरा भी खर्चा जो ऊपर से मैंने खर्च किया है अप्लायंसेस के लिए या बाकी चीज़ों के लिए और जो मैंने कंपनी को दिया है वो मिक्स करके ही मैंने आपको बताया है। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपनी किचन किस तरीके से बनवाना चाहते हो, कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ करना चाहते हो, कॉस्टिंग उसी के हिसाब से ऊपर और नीचे हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आने वाले वीडियो में मैं इसी तरीके से यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ love।